हरियाणा की चौपाल से हरियाणा के लाल अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर आखिर क्या है जनता की राय, आइए जानते हैं। देखिए, इसके बारे में तो मतलब दिल्ली की जनता ज्यादा प्रूफ दे सकती है ना। तो हम जैसे तो यही है कि 10 साल उसने राज्य किया अब तक, है ना। तीसरी बार आने का चांस था उनका, तो फिर अभी क्यों किया प्रधानमंत्री जी ने? उससे पहले भी कर सकते थे, मतलब उसके बाद भी कर सकते मतलब थे। आपका मानना ये है कि चुनाव आने वाले हैं तो इस वजह से? हाँ, इस वजह से ही किया। और मेरी बात सुनो, सभी के ऊपर वो ईडी का वो कंजा तो कस रहे हैं। फिर जब जहाँ उसमें से वो बंदा उनकी उस विपक्ष का निकला, जेबीजी में आ गया, तो वो तो अपना वॉशिंग मशीन में घुल जाएगा आराम से। कोई उसकी ईडी नहीं वो करती, इंस्पेक्शन वगैरह कुछ भी नहीं करती। नहीं, बाकी है देखो, इलेक्शनों के टाइम में थोड़ा सा हो जाता है भाई, देखो, है ना। तो मतलब अंकल जी, आपका क्या कहना है, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, हरियाणा के लाल वो कहे जाते हैं, तो क्या लगता है आपको कि सही हुआ या गलत हुआ? ऐसा है, इलेक्शन का टाइम है ना, अब तो खराब ही है, इससे पहले क्यों नहीं गिरफ्तार कराया? इलेक्शन में गिरफ्तार करना तो अच्छी बात नहीं है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो है पार्टियों की जो नेता लोग हैं विपक्ष में, उनकी आवाज को दबाया जा रहा है? हाँ, दबाया तो जा रही है, विपक्ष कमजोर है ना, इसीलिए दबा रहे हैं। क्या बीजेपी ऐसी सरकार रहेगी कि भाई जिसको आमने सामने कोई बोलेगा उसको ही अंदर ठोक दोगे? मतलब आपका मानना है कि गलत हुआ? बिल्कुल गलत हुआ। क्या लगता है, वजह क्या लगती है आपको? वजह क्या लगती है कि क्यों है? जो आदमी काम लायक रहा नहीं करना, और ई मेरे बंदा पकड़ेगा कुछ करेगा, पाथले तो रोएंगे, मारा मनुष्य में खोट काट दो फिर पकड़ो, जो मारा मनुष्य में खोट लिगड़ा जुए पकड़ो, एक ऊँ पकड़ेगा चल भाई, एक राज पे बैठा चल भाई, क्यों भाई गाजर मूली बेचने आ रहे हो या धर्मशाला मर जाटांगी, उसमें तो भी नहीं हम कह सकते चल भाई तो। और ये मुख्यमंत्री ने भी, प्रधानमंत्री ने भी, चल भाई। मैडम जी, ऐसा है, यदि कोई भी किसी के ऊपर जबरदस्ती अन्याय करेगा और अपने वोटों के लिए किसी पे कोई बात थोपता है तो उसके लिए वो गलती है। जैसे केजरीवाल का जो भी मैटर है वो सर्वोच्च न्यायालय में या जो भी फैसला होगा उसको मान्य करना चाहिए। ये प्रदर्शन करने से, किसी के घर जा करके घेराव करने से कोई फायदा नहीं है, ये वोटों की राजनीति कर रहे हैं आम आदमी पार्टी वाले। तो कुछ युवा भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी हुई है, क्या लगता है आपकी नजरों में, सही है या गलत? अगर किसी पे कार्रवाई की जा रही है तो वो सही है, लेकिन मैंने एक फैक्ट देखा कि ईडी के द्वारा मतलब 2014 से 121 नेताओं पे छापामारी हुआ है, लेकिन उसमें बस 6 हैं जो बीजेपी से, बाकी 115 जो हैं वो अपोजिशन के हैं। तो अगर कार्रवाई की जा रही है तो सब पे की जाए, ये नहीं कि सिर्फ अपोजिशन पे की जा रही है, क्योंकि घोटाले में हर पार्टी के नेता शामिल हैं, तो सब पे होनी चाहिए। अरविंद केजरीवाल के साथ जो हुआ वो लीगली सही है, लेकिन अगर उनको दबाया जा रहा है, ये एक डिक्टेटरशिप चलाया जा रहा है मोदी जी के द्वारा, जो अच्छा नहीं है समाज के लिए। आपका क्या कहना है? नहीं, हमारा भी यही कहना है कि मतलब जो डिक्टेटरशिप चल रहा है ये, मतलब अगर सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सही है, बट अगर आप ऐसे कॉमन पर्सन के हिसाब से देखोगे ना, कि कोई भी रैंडम बंदे को मतलब ऐसे कर रहे हो आप लोग एकदम बिना किसी सबूत के कुछ भी, बहुत अच्छा हुआ है, उसने करप्शन करी है तो अंदर हुए होएगा, मतलब मानते हैं कि करप्शन की है। आपका क्या मानना है कि सही होगा? मैं तो एक बार बोल रहा हूँ कि आने वाला जो भविष्य है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, वो पीएम से बढ़िया, केजरीवाल से बढ़िया पीएम कोई हो ही नहीं सकता। अच्छा, आप उनको प्रधानमंत्री के रूप में भी देखते हैं? मैं इसलिए देखता हूँ क्योंकि सबसे एजुकेटेड, अगर राजनीति में आज की डेट में सबसे एजुकेटेड आदमी है तो अरविंद केजरीवाल है, उससे सुलझा हुआ आदमी कोई नहीं है। और रही बात करप्शन की या उसकी, उसमें हिंदुस्तान में कौन सा आदमी ऐसा है जो करप्ट नहीं है? कोई थोड़ा है, कोई ज्यादा है, कोई क्या है? जब तक जो आदमी पॉलिटिक्स में आ गया वो क्लीनलेस हो ही नहीं सकता, कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं या तो वो या उसके जो सपोर्टर है। मतलब आप कह सकते हैं कि पूरा प्रोपेगेंडा था। यू कैन से एनीथिंग अबाउट इट, लेकिन मैंने जो बोल रहा हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि वो आदमी बढ़िया है, शासन करना जानता है, हो सकता है उससे कहीं ना कहीं गलती हो गई हो, उसको बहुत बड़ा इशू बना लिया हो, ऐसा भी तो हो सकता है, ह्यूमन नेचर है, गलती किसी से भी हो सकती है, गलती हमसे भी। अब हम 100 काम कर रहे हैं, 100 काम में 99
99 काम जो है ना वो सही हो रहे हैं, एक गलत भी हो सकता है, लेकिन अगर उसी गलत काम को मेलाफाइड ने इंटेंशनली प्रोजेक्ट किया जाए या शो किया जाए तो दिस इज रॉन्ग।